अभी मैंने कुछ देर पहले वीडियोस अभी मैंने कुछ देर पहले एक कोरा पे कुछ बच्चों के क्वेश्चंस देखे, तो क्वेश्चंस पे कई बच्चे थे जिन्होंने अब तक जिनके प्री बोर्ड हुए हैं उनके बहुत खराब नंबर आए हैं, तो सब पूछ रहे थे क्या हम अब भी बोर्ड में एक अच्छा नंबर लेकर के आ सकते हैं, मैं बहुत नर्वस हूँ, ये है वो है सब कुछ है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। तो मैंने क्वेश्चन पढ़े और मैं अपने उस जोन में गया वापस से, मैंने 1 साल पहले 12th पास की है तो मैं उस जोन में वापस गया, 1.5 साल से मैं उस जोन में वापस गया और मैंने देखा कि हाँ उस टाइम मैं भी ऐसा ही फील कर रहा था, हालांकि मैं प्री बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर आए थे, मेरे ऐसी बात नहीं कि नंबर खराब आए थे, बट कहीं ना कहीं वो डर सबको होता है कि क्या यार बोर्ड है लास्ट है, मतलब इसके बाद कॉलेज हो जाएगा, उसके बाद पता नहीं मतलब क्या होगा क्या नहीं, तो वो सब चीज़ें दिमाग में चला करती हैं। तो उन इन सब चीज़ों से हट करके जब उन बच्चों की तकलीफ को मैंने समझा तो समझ में आया कि यहाँ पर देखो तकलीफ सबको है, हर बच्चे को तकलीफ है, लेकिन एक बहुत छोटी सी गलती है, ये बच्चे जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हुए हैं और जो बोर्ड में एक अच्छा नंबर लेकर के आना चाहते हैं, अब उनको रियलाइज हुआ कि नहीं टाइम बहुत कम है, अब तक वो टाइम गवा दिया उन्होंने, काफ़ी टाइम गवा दिया लेकिन अब भी टाइम है बहुत है, तो सबसे पहली बात कि उन बच्चों के लिए कि प्लीज खुद पर भरोसा रखो, मुझ पे पता बट खुद पे भरोसा रखो, आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे बोर्ड में, आप बस जी जान लगा करके पढ़ना शुरू कर दो अभी से, अब आपके पास टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं, वाह क्या लाइन बोली मैंने, टाइम वेस्ट करने का टाइम आपके पास नहीं रहा है, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है तो आप इसको बर्दाश्त करो थोड़ी देर, थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा ही, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, तो अगर आप एक कॉमेडी वीडियो छोड़ करके, कॉमेडी वीडियो जा करके देख सकते थे, आप एक गाना जा करके सुन सकते थे, कोई फिल्म देख सकते थे, कोई वेब सीरीज देख सकते थे, तो अगर उन सबको छोड़ करके अपने फ्यूचर के लिए अपने एग्जाम्स के लिए यहाँ पर आए हो तो कुछ ना कुछ अच्छा लेकर के जाओगे, भले मेरी थोड़ी सी आवाज़ ख़राब है भी ऐसे भी ख़राब ही है तो ऐसा कुछ असर पड़ना नहीं चाहिए, बट हाँ गला बैठा हुआ है और तबीयत भी थोड़ी सी नासाज है, तो फिर भी कर रहा हूँ आप ही के लिए या खुद के लिए, तो थोड़ा सा बर्दाश्त करो। और ये तो यहाँ पर यार जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं कि हम 3 महीने रह गए हैं या फिर 2 महीने रह गए, 2.5 महीने रह गए हैं और अब हम क्या करें, मतलब अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है, पढ़ने के सिवाय कोई और ऑप्शन रह नहीं गया है पहली बात तो आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, छोटी गलती जो हमें पता नहीं चलता कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन वो गलती जो होती है बहुत बड़ी होती है और उस गलती की वजह से आपके बोर्ड में नंबर खराब हो सकते हैं, तो वो गलती ये है यार कि अब आप ढूंढना शुरू करोगे, क्योंकि अब आप क्या चाहोगे, एक बच्चा वो जो बच्चा जो अब तक कुछ नहीं पढ़ा है वो ये चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसको कुछ ऐसा मिल जाए जो वो 1 हफ्ते के अंदर पढ़ करके, उस पूरे 1 हफ्ते के अंदर पढ़ करके उससे बोर्ड एग्जाम में जा करके तैयारी करे और मतलब जा करके पेपर दे और उसके 90-95 नंबर आ जाए। तो पहली चीज़ कि 1 हफ्ते की पढ़ाई से 95 नंबर कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं मतलब कभी नहीं, कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा क्यों ना हो, सबसे पहली बात। और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर 95 उन्हीं के आते हैं जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, आप सोच रहे हो कि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, आपको ये नहीं पता कि पेपर आपकी बुक में चैप्टर कितने हैं, आप सोच रहे हो 1 हफ्ते के अंदर पढ़ करके आप नंबर ले आओगे, तो वो नहीं है, कोई कितना भी बड़ा यूट्यूबर क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो, कोई भी 1 हफ्ते के अंदर आपको 95+ नहीं दिलवा सकता है, तो अभी आपके पास टाइम है, 3 महीने बहुत होते हैं बोर्ड प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी अच्छे टाइम टेबल के साथ, अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप चलते हो तो 3 महीनों में आपके हर सब्जेक्ट में 95+ बहुत आराम से आ सकते हैं, इस चीज़ का बिलीव रखो, तो अभी से शुरू हो जाओ। और यहाँ पे जो जिस गलती की मैं बात कर रहा हूँ वो गलती ये है कि आप जो ढूंढना शुरू करते हो ना, तो ढूंढने में क्या होता है कि यार देखो हर प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है और हमारा दिमाग ऐसे ही है, ये सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन की तरफ भागता है, हमारा माइंड हमेशा इन्फॉर्मेशन की तरफ ही भागता है, कहीं से कुछ हमको मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, लेकिन वो चीज़ मिलेगी नहीं, जान लो कि आप ये अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई भी आपकी प्रिपरेशन नहीं करवा सकता है 95% मार्क्स के लिए, तो उस सोच से बाहर निकलो, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बच्चे जो पूरा साल पढ़ रहे हैं और आप 3 महीने की पढ़ाई से कुछ तो अंतर होगा ही, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना ही पड़ेगा, अगर वो बच्चा एक बच्चा जो पूरे साल से पढ़ रहा है और दिन में 8 घंटे दे रहा है, तो आपको 10-11 घंटे आपको देने ही पड़ेंगे उन चीज़ों को कवर करने के लिए, तो नौ 3 महीने के अंदर
आपको तभी आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार हो, और तभी आपके 95+ आएंगे। आपको सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होना है, और ये गलती नहीं करनी है जो सभी बच्चे करते हैं कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जा करके या फिर एक ही प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोगों के वीडियो देखना शुरू करो कि हाँ ये बोला, ये बोला, अरे इसका कुछ मजा नहीं आया, इसका कुछ, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, आप ऑप्शन, आप 3 से 4 वीडियो देख सकते हो अलग अलग इंसान के, उनमें से जो आपको बेस्ट लगे, मैं नहीं कहता कि मेरा वीडियो देखो, बट उनमें से जो भी आपको बेस्ट लगे उस इंसान का वीडियो, अब उस इंसान को आप कमेंट हो, आपको जो भी चाहिए उससे हेल्प हो, आप पहले तो उसकी प्लेलिस्ट जाकर के देखो, अगर उसमें मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिलता तो आप उसको कमेंट करो, अगर वो दे देता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सेकेंड बेस्ट जो 3-4 वीडियो में कोई तो होगा ऐसा जो आपको दे देगा वो चीज़ जो आप चाहते हो, वो नहीं दे पाएगा एक हफ्ते के अंदर, पेशेंट वाली चीज़ नहीं दे पाएगा, बट जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो उनमें से कोई ना कोई ऐसा आपको मिल जाएगा। बट आप भागो मत हर तरफ, क्योंकि हम जब भागते से भागना शुरू करते हैं ना, तो देखो टाइम वेस्ट, पहली चीज़ की टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। एक एक वीडियो देखने के लिए 20-20 मिनट की वीडियो होती है, उन वीडियोज़ को देखने के चक्कर में अगर आप 2x स्पीड में देखो 10-10 मिनट, उस 10 मिनट में आप अपना एक टॉपिक कवर कर सकते हो, एक टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक खत्म कर सकते हो, छोटे छोटे क्वेश्चन लगातार खत्म कर सकते हो। तो भागना बंद करो। आप अगर भाग रहे हो कि नहीं ये यूट्यूबर अच्छा है या फिर ये टीचर अच्छा है, ये एक हफ्ते के अंदर हमें पेपर, कोई नहीं करवा सकता, कोई भी नहीं करवा सकता, मैं लिख करके दे सकता हूँ। जब तक आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए तैयार ना हो, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और ये टाइम है जो शुरू हो चुका है, तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भागो मत प्लीज, क्योंकि आपकी आपके फ्यूचर का सवाल है। मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक प्लेटफॉर्म पकड़ो, एक टीचर पकड़ो और बस शुरू हो जाओ। ऑनलाइन ही पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेटफॉर्म, एक टीचर, बस शुरू हो जाओ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि नहीं एक बार उसका वीडियो देख करके देखते हैं। शुरुआत में जो करना है, एक दिन बैठो चुपचाप से संडे के दिन आराम से, 5-6 लोगों को, 5-6 जो भी टॉप के चैनल आपको दिखे या फिर कुछ भी हो, जैसे भी चैनल हो, तो उनके वीडियोज देखो, और जो भी आपको सही लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको बेस्ट लगे, उसको पकड़ लो और बस उसी के साथ जुड़ जाओ। ये अगर आप भागते रहोगे ना तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। एक के साथ जुड़ जाओ और प्रिपरेशन शुरू कर दो, चीजान लगा दो। तो ये छोटी सी गलती है जो बहुत बड़ी गलती है, और ये हम ध्यान नहीं देते हैं, ये बात हमको रियलाइज होता है कि नहीं यार शॉर्टकट की तो भागता रहता है, और शॉर्टकट मिलता नहीं, शॉर्टकट कुछ नहीं होता है, शॉर्टकट भी लॉन्ग कट का ही पार्ट होता है, वो लॉन्ग कट एक्चुअल में लॉन्ग कट होता है, हमें दिखता शॉर्टकट। बस यही छोटी सी चीज़ बतानी थी आपको कि भागना बंद करो, एक प्लेटफॉर्म, एक टीचर पकड़ करके शुरू हो जाओ, और बस आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे, चाहे आपके प्री बोर्ड में आप फेल हो गए हो, आपके 30 आए हो, 40 आए हो, 60 आए हो, कुछ फर्क नहीं करता है, कुछ भी फर्क नहीं करता है। आपने इतनी देर, उफ मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता अभी, तो अभी ज़्यादा मैं बिलीव करो अपने ऊपर, और आप बहुत अच्छे नंबर लेकर के आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना होगा, थोड़ा सा जलना होगा, थोड़ा सा तपना होगा, तब कहीं जाकर के आप एक हीरा, थोड़ा सा कोयले की खान में जाना हो सकता था कि आप एक हीरा बनोगे, और वो हीरा एक अच्छे नंबर, एक अच्छे मार्केट के साथ अपने मम्मी पापा के सामने खड़ा। तो प्लीज बिलीव योर सेल्फ एंड डू व्हाटएवर यू वांट, बिकॉज आई बिलीव दैट इफ यू थिंक यू कैन, बट इफ यू बिलीव यू विल। तो लव यू, थैंक यू।